Good afternoon, everybody. Just pay attention. When I'm giving the expression, that time everybody has to pay attention. Rest of the time you can do your work. So Adi Sharma solve example number 4, page 7.24. इसके पहले आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आपको हमने सिर्फ इक्वेशन बताया, उसका प्रूफ नहीं बताया क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में है नहीं, लेकिन इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी आपकी एक्सरसाइज में है, वो क्वेश्चंस आपने कल किए थे। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बताया था आपको, कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल, जैसे यहाँ ट्राइंगल एबीसी है, कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी, ये एबीसी जो ट्राइंगल उसमें एक एंगल बीएसी है, ये एंगल, ये पूरा एंगल, इसका नाम क्या है, बी ए सी। इस एंगल बी ए सी के बीच में एक लाइन ड्रॉ किया ए डी, ये लाइन ए डी इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। कभी भी वर्ड याद रखिए, बाइसेक्टर आ गया, बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब क्या, इक्वल पार्ट। तो बाइसेक्टर मतलब हमेशा, अगर एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, साइड बाइसेक्टर है, साइड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इट इज बाइसेक्टर वर्ड कभी भी आया तो, ओके। सो ए डी क्या, ए डी इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर, कौन से एंगल का, पूरा एंगल बी ए सी, पूरे पूरे एंगल का, उसका नाम क्या लिखेंगे, बी से ए, ए से सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये एंगल बी ए सी का ए डी क्या है, बाइसेक्टर। सो आपको क्वेश्चन क्या था, ये भी एक्चुअली सीबीएसई पेपर में आया, एक्चुअली जो जितने भी मार्क क्वेश्चन वही करा रहे हम। सो इफ एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, ठीक है, प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो सपोज कोई भी एक ट्राइंगल जिसका नाम सपोज ए बी सी है, उसमें एंगल ए जो पूरा है उसका ये ए डी एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा। अगर ये पूरा एंगल अस्यूम करें 60 डिग्री है, तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी क्या रहेगा, 30। अगर ये पूरा 100 डिग्री है तो कितना आएगा, 50 50। इफ इट इज सपोज 70 डिग्री, 35 35। लेकिन ये दोनों एंगल, यहाँ लिखा, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस वाज द। सो क्वेश्चन में क्या दिया, अगर कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी है उसमें जो एंगल बाइसेक्टर है, या एंगल बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा मतलब अपोसाइड को क्या कर रहा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, यानी अगर टोटल 10 सेंटीमीटर है, ये भी है 5, ये भी 5। यानी अगर अज्यूम कर रहे कि टोटल सपोज 1 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी है सपोज x, तो क्वेश्चन में क्या दिया, अगर ये AD क्या कर रहा, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट मतलब फिर से क्या आ गया, दो इक्वल पार्ट, इसका मतलब क्या, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या एक्चुअली इक्वल, दिस टू आर इक्वल। सपोज अगर ये x है, पूरा x है, तो बताइए कितना हो जाएगा फिर, x अपॉन 2, ये भी कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 लाइक दिस। सो हमको प्रूफ करना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल क्या रहेगा एक्चुअली, डिजाइन आइसोसेलेस, नाची आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल, और अगर ये आइसोसेलेस है तो इक्विलैटरल भी हो सकता है, तो अगर ये साइड भी इक्वल और ये भी सपोज इक्वल होगा तो इक्विलैटरल भी, यानी इक्विलैटरली भी एप्लीकेबल है वो, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा। आइसोसेलेस में कितने साइड्स इक्वल, दो, यानी कम से कम इस ट्रायंगल के तीन में से दो साइड्स तो इक्वल है, हाँ तीसरा साइड भी इक्वल हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन दो साइड्स इक्वल है कंफर्म। कभी भी याद रखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया मतलब तीनों साइड्स इक्वल, और आइसोसेलेस दे दिया मतलब कितने इक्वल एक्चुअली, दो, लेकिन उसमें आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल, लेकिन थर्ड साइड भी इक्वल अनइक्वल हो सकता, ठीक है, डजंट मेक अ डिफरेंस। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ एंगल बाइसेक्टर, क्या चीज है एंगल बाइसेक्टर, यानी जो एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, बताइए यहां पे एंगल बाइसेक्टर कौन सी लाइन है, एडी, एडी, एडी एंगल बाइसेक्टर, कौन सा एंगल को डिवाइड कर रहा है, एंगल ए को, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, दो इक्वल पार्ट में। सो एडी एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल बीएसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और सिर्फ एंगल बीएसी को डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि अपोजिट साइड जिसको इंटरसेक्ट कर, इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, इसको भी, अगर टोटल एक्स है तो एक्स बाय टू लाइक दिस। सो इफ एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, यानी एक तो एंगल बाइसेक्टर है, यस सर, ये दोनों एंगल इक्वल, एंगल बाइसेक्टर, और बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड को भी क्या कर रहा है एक्चुअली, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इज इट क्लियर। यानी ये लाइन AD एंगल बाइसेक्टर भी है, यानी पूरा एंगल अगर सपोज 60 डिग्री है तो ये 30 30, और ये अपोजिट साइड को जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा, इसको बाइसेक्ट कर, तब अगर टोटल ये 10 है 10, तो ये भी क्या जाएगा 5 5, एक्स है तो क्या जाएगा x/2 x/2। तो हमको अगर ये कंडीशन है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल भी इक्वल है, और अपोजिट साइड के जो दो साइड दो टुकड़े हो रहे ये भी इक्वल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा लाइक दिस, इज इट क्लियर। तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल कौन सा एंगल रहेगा, आइसोसेलेस, बहुत ही सिंपल इक्वेशन, बहुत सिंपल एक्चुअली प्रोसीड। तो पहले एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन वो बताएंगे, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, इसके पहले आपको हमने क्या बताया था कि अगर ट्रायंगल एबीसी में ये जो एंगल बीएसी है, ये बीएसी पूरे एंगल को दो पार्ट में इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे लाइन एडी से, तो इस लाइन एडी को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, दिस कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर। यानी एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट, लेकिन एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर भी सकता नहीं भी कर सकता, उसका कोई लेना देना नहीं है,
यानी एंगल बायस तो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर भी सकता नहीं भी कर सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि उसको भी आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, अपोजिट साइड को भी। इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है, क्या कंडीशन? अपोजिट साइड को भी क्या कर रहा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, यानी ये लाइन की दो कंडीशन, एक तो एंगल बाइसेक्टर तो है और अपोजिट साइड को भी क्या कर रहा है बाइसेक्ट, लेकिन जरूरी नहीं कि हर ट्रायंगल में ऐसा होगा। हाँ, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऐसा होगा हमेशा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो भी होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो भी होगा, लेकिन अगर सपोज ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड सपोज फॉर एग्जांपल आई एम अस्यूमिंग इस टाइप का एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल दिस आर दी, यहां सपोज हम एंगल बायस्टर बना रहे हैं, एंगल बायस्टर दिस आर दी, ठीक है, लाइक दिस, सपोज ये एंगल जितना भी रहेगा उसके ये भी और ये दोनों इक्वल आ गए, तो जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, लाइक दिस, सपोज फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा एक्स और ये वाई, अलग अलग भी हो सकता, यानी अपोजिट साइड को जब बाइसेक्ट करेंगे तो दोनों अलग अलग भी हो सकता, लेकिन अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इक्वल रहेगा ही। तब देखिए आपका क्वेश्चन अभी फिलहाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर एडी एंगल बीएसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन अपोजिट साइड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो हमको प्रूफ करना अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो ये ट्रायंगल कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं, कौन सा ट्रायंगल रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कौन कौन साइड इक्वल आना चाहिए, एबी और एसी, एबी और एसी। इसके पहले आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन दिया था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का क्या दिया था एक्चुअली, इक्वेशन, क्या इक्वेशन जैसी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन, कि अगर एंगल बीएसी, एंगल बीएसी को एडी अगर बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट, तो ये अपोजिट साइड के दो टुकड़े कर रहे हैं, दो टुकड़े, एक बीडी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, डीसी, तो बीडी और डीसी का जो रेशियो आएगा, यानी बीडी अपॉन डीसी का आंसर, ये आंसर वही रहेगा जो बाकी दो साइड्स एबी और एसी का रहेगा, यानी हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन है डायरेक्ट, क्या अगर कोई एक लाइन एक पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंगल बाइसेक्टर और अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट डी पे, तो डी से बी तक और डी से सी तक, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से एन तक भी और यहां से एन तक, इसका रेशो, यानी डीबी अपॉन डीसी, आप इसको डीबी बोलते हैं बीडी बोलते हैं एक ही बात है, आई डिड टेल मी डीबी या बीडी, इट इज वन सेम थिंग, ठीक है, सो बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू, ये दोनों का रेशो कितना रहेगा, जितना दोनों साइड्स का रेशो रहेगा इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। अब क्वेश्चन में दिया कि दोनों इक्वल है, तो पता है इसका रेशो कितना आ गया, वन, इसका मतलब एबी और एसी का भी रेशो क्या आना चाहिए, वन, और अगर एबी एसी, एबी अपॉन एसी का आंसर वन, यानी एबी इज इक्वल टू एसी, क्या जाएगा, एबी इज इक्वल टू एसी, और एबी इज इक्वल टू एसी आ गया तो प्रूफ हो गया, कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस, बहुत सिंपल है, सिर्फ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का जो इक्वेशन, वो इक्वेशन यूज कर रहे हैं, इज इट क्लियर। सो यहां पे सॉल्यूशन में गिवन, देखिए गिवन में क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये कि ट्रायंगल एबीसी में, जो ट्रायंगल एबीसी है ना, उसमें एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, बीएसी का, ये पहली कंडीशन दी। दूसरी कंडीशन ये भी दी कि एंगल बाइसेक्टर एडी अपोजिट साइड बीसी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, वो भी दी, इतनी कंडीशन दी है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना, ट्रायंगल एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, यानी एबी की लेंथ और एसी की लेंथ क्या आना चाहिए, इक्वल, ये प्रूफ करना है, इज इट क्लियर। सो गिवन में फर्स्ट कंडीशन, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर, कभी भी वर्ड याद रखिए, बाइसेक्ट आ गया ना, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट, दो इक्वल टुकड़े, दैट इज इंपॉर्टेंट, बाइसेक्टर अगर आ गया तो, सो इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर, समझ रहे, ट्रायंगल एबीसी में एडी लाइन कौन सी लाइन है, एंगल बाइसेक्टर, किस एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल बीएसी का, ये पूरे एंगल का, इसको एंगल ही बोलेंगे तो भी करेक्ट है, लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से लिखेंगे एंगल बीएसी, ठीक, सो इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर, दिस एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ये दिया, और कोई कंडीशन दिया है क्या, एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का, और कोई कंडीशन दिया क्या, यस, ये एडी अपोजिट साइड बीसी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी दिया हुआ है, ये देखिए आप पढ़ लिए क्वेश्चन में, इफ एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, एडी एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, ये बाइसेक्ट कर रहा, किसको बाइसेक्ट कर रहा, अपोजिट साइड को भी कर रहा, यस और नो, तो दूसरी कंडीशन क्या है, एडी साइड बीसी जो अपोजिट साइड है यहां का एंगल ए का, अब उसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, ये भी दिया है। तो सेकंड कंडीशन क्या दिया एक्चुअली, एडी बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, बताइए अपोजिट साइड कौन सा है, अपोजिट, थिंक अबाउट दिस, एडी बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड बीसी, यानी बीसी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा मतलब बीडी और डीसी क्या है, इक्वल, दैट इज, ये भी दिया हुआ, बीडी इज इक्वल डीसी, सो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन अगर ये साइड की लेंथ अलग अलग रहती, इसकी लाइन
तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भी अलग अलग आती है, ठीक है, इक्वल नहीं आती है। लेकिन क्वेश्चन में दिया कि एंगल बाइसेक्टर तो है, लेकिन अपोज साइड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल एबीसी विच ट्रायंगल आइसोसेलेस, दैट इज एबी इज इक्वल टू एसी। सो गिवन में ये है, और टू प्रूफ ट्रायंगल एबीसी इज विच ट्रायंगल आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, इट इज आइसोसेलेस स्पेलिंग, ओके, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और बता, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो कौन कौन साइड्स इक्वल आएंगे? ए बी और ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूफ करना, ओके। नाउ प्रूफ, तो बताइए एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन। एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी का इक्वेशन आप किसके लिए बताया? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन क्या है? अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और अपोजिट साइड को जाके इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी पे, तो अपोजिट साइड के जो दो टुकड़े हो रहे हैं डी से बी तक, डी से सी तक, मतलब बी डी और डी सी, इस बी डी और डी सी का रेशियो, रेशियो यानी क्या करना पड़ता है? अपॉन, यानी बी डी अपॉन डी सी का जो आंसर आएगा, बी डी अपॉन डी सी का आंसर, ये आंसर वही रहेगा जो इस एंगल के दोनों साइड्स का रहेगा, यानी किसका किसका रहेगा आंसर? ए बी और ए सी का। अगर हम लिख रहे बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू लिखेंगे तो बी डी ऊपर लिखा डी सी नीचे, तो दूसरे साइड में भी इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे। और अगर हम किसी ने बी डी अपॉन डी सी नहीं पहले लिखा डी सी अपॉन बी डी, इसको ऊपर लिख दिया डी सी अपॉन बी डी, तो दूसरे साइड में भी इसको ऊपर लिखेंगे, यानी अगर इसको ऊपर लिखा तो इसको ऊपर लिखेंगे नेक्स्ट साइड में, और अगर इसको ऊपर लिखा तो इसको ऊपर लिखेंगे उसी। तो इक्वेशन ऑलरेडी इसके पहले दिया था, स्टेप के क्वेश्चन किया आपने प्रूफ। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, ऑफ एंगल बी ए सी, क्या है ट्रायंगल का नाम? क्या है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये पूरे एंगल को क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये 60 डिग्री होगा तो क्या आएगा? 30 30, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। सो ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल? एंगल बी ए सी, ऑफ एंगल बी ए सी। सो वी गेट, तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन रहेगा? ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है यहां से शुरू करिए डी से बी तक और डी से सी तक, यानी डी बी अपॉन डी सी लिखने का मेथड। लेकिन किसी ने इसको डी बी की जगह बी डी लिख दिया, करेक्ट है, लेकिन आपको डी से क्यों बोल रहे हैं? एक्सट्री एंगल बाइसेक्टर बताएंगे, आसान जाते याद रखना, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो बहुत सिंपल, लेकिन एक्सट्री एंगल बाइसेक्टर थोड़ा सा टफ जाएगा। इसलिए ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा ना यहां से शुरू करिए D से B तक अपॉन D से C तक। बताइए ऊपर हमने DB लिखा है तो दूसरे साइड में ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? फिर AB लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाद में नीचे हमने DC लिखा है या तो दूसरे साइड नीचे क्या लिखेंगे? AC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। लेकिन क्वेश्चन में तो एक कंडीशन और दिया है कि एंगल बाइसेक्टर अपोज साइड के जो दो टुकड़े कर रहा है ये भी इक्वल है, ये दिया हुआ, यस और नो? ये दिया। क्या जरूरी है हमेशा इक्वल आना चाहिए? नहीं, कभी आज तक कभी नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दी है एंगल बाइसेक्टर है और बाइसेक्ट अपोजिट साइड भी है। समझ में? एंगल बाइसेक्टर तो है लेकिन अपोजिट साइड को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट, यानी उसके भी दो इक्वल पार्ट्स हैं। बी डी और डी सी क्या एक्चुअली? इक्वल। देखिए गिवन कंडीशन लिखा है बी डी इज इक्वल डी सी, तो पता है अगर ये दोनों इक्वल है डी बी और डी सी इक्वल, इसका आंसर क्या जाएगा? वन। सपोज फॉर एग्जाम्पल टोटल 10 है, ये टोटल 10 है और ये उसका आधा है 5, ये भी 5, तो बताइए 5/5 क्या आंसर आ जाएगा? 1। अगर टोटल ये 6 है तो 6, तो 3 और 3, 3/3 कितना आएगा? 1। तो क्योंकि डी बी और डी सी दोनों इक्वल, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं और उसमें लिख लेंगे एज डी बी इज इक्वल टू डी सी गिवन, डी बी इज इक्वल डी सी गिवन, दिया हुआ है कि डी बी और डी सी दोनों इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इसको पास है, तो डी बी और डी सी इक्वल है। बताया अगर दोनों इक्वल है तो डी बी अपॉन डी सी कितना आ जाएगा? डी बी सी इक्वल डी सी, बताया डी सी को यहाँ लेके आ जाइए, तो डी बी अपॉन डी सी इधर आंसर क्या बन जाएगा? 1। डी बी अपॉन डी सी 1, इसकी आगे 1 पुट कर दिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, बताया डी बी अपॉन डी सी, इसका आंसर क्या पुट कर देंगे? 1।
तो वन इज इक्वल टू, क्योंकि डीबी अपॉन डीसी का आंसर वन, तो वन इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। एसी यहां लाइए, मतलब एसी यहां, तो वन इंटू एसी कितना आ जाएगा, एसी इज इक्वल टू एबी, यानी एसी और एबी दोनों इक्वल आ गया। यस सर, और अगर ट्रायंगल के दो साइड्स एसी और एबी इक्वल आ गए तो ट्रायंगल प्रूफ हो गया। कौन सा ट्रायंगल है, एसी इज इक्वल टू एबी, हेंस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस, इज इट क्लियर, हेंस प्रूफ दिस इज द सॉल्यूशन। सो ऑलरेडी सॉल्यूशन आपकी बुक में है और YouTube में वीडियो भी मिल जाएगा आपको, अगर बाद में भी आपको वेन एवर यू वांट राइट यू कैन राइट, ओके यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। यस ऑल ऑफ योर सीट। सो इंटीरियर एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल मतलब ट्राइंगल के अंदर का एंगल, ट्राइंगल के अंदर का एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, जो एंगल बाहर बनेगा और वो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल ऐड करने से आंसर कितना आएगा 180। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90, सप्लीमेंट्री मीन्स 180। सो किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल और उसका एक्सटीरियर एंगल दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर 180 आएगा, मतलब लीनियर पेयर बनेगा। दैट इज नथिंग बट लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा, लीनियर एक लाइन पे आएगा और पेयर मतलब दोनों को ऐड करने से आंसर कितना आ जाएगा 180। तो सपोज ये ट्रायंगल देखिए एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल ये है इंटीरियर एंगल, अगर इसी लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, यस और नो, यस। वैसे अगर ये लाइन को हमने एक्सटेंड किया तो भी एक्सटीरियर, yes। और इसको एक्सटेंड करेंगे जो एंगल आएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे दोनों सेम आएगा, यस और नो, कोई भी लाइन एक्सटेंड दोनों सेम, इज इट क्लियर। देखिए अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ जो एंगल आएगा इसको एक्सटेंड किया दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दे विल बी वर्टिकली अपोजिट, दे विल बी इक्वल, कोई भी लाइन एक्सटेंड। वैसे ये इसका इंटीरियर एंगल है, मतलब इसका एक्सटीरियर, इस एंगल ये इंटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर बनाना तो इसको एक्सटेंड कर दिए और यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, यस और नो, या फिर इसको एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे बना लिए लाइक दिस, और दोनों वर्टिकल आपस दोनों सेम रहेंगे वो एक्सटीरियर एंगल। वैसे ये इसका इंटीरियर एंगल है, अगर एक्सटीरियर बना तो ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे ये एक्सटीरियर आ जाएगा, ये इसको एक्सटेंड करेंगे ये एक्सटीरियर आ जाएगा, इज इट क्लियर। सो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल दैट इज समथिंग बट इंटीरियर एंगल, और ट्राइंगल के एंगल के बाहर जो एंगल बनेगा दैट इज समथिंग बट एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाना पड़ता, जैसे देखिए ट्राइंगल एबीसी है, इसका इंटीरियर एंगल, इसी ट्रायंगल एबीसी को हमने यहां भी बनाया, देखिए ये ट्रायंगल एबीसी सेम एंगल है, वही सेम ट्रायंगल है, उसमें वो फिगर में क्या किया, यहां पे हमने अंदर इंटरनल बायसेक्टर बनाया, यस और नो, इंटरनल एंगल का बायसेक्टर बनाया, यस और नो। वाले फिगर अगर आप देखेंगे, ये फिगर बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से है एबीसी, ये यहां पे भी चेक कर लिए, ए से बी, बी से सी, सी से, वही सेम ट्रायंगल एबीसी, लेकिन यहां पे जो इंटीरियर एंगल है उसका बायसेक्टर बनाया, वहां पे देखिए ये जो इंटीरियर एंगल था ना अंदर वाला उसका बायसेक्टर बनाया, वो एडी दिस अदी, और यहां पे इंटीरियर एंगल नहीं बल्कि लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो पता है एक्सटीरियर एंगल हो गया पूरा, ये हो गया इंटीरियर एंगल, ये क्या हो गया एक्चुअली एक्सटीरियर, इज इट क्लियर। अगर इंटीरियर एंगल का हमको बायसेक्टर बनाना है तो इस एंगल के बीच का बायसेक्टर लाइन बनाना पड़ेगा, और एक्सटीरियर एंगल का बायसेक्टर बनाना तो एक्सटीरियर एंगल बायसेक्टर लाइक दिस, ठीक है। यहां पे इंटीरियर एंगल बायसेक्टर भी एडी का, उसका नाम एडी दिया, यहां पे जो एक्सटीरियर एंगल है एक्सटीरियर उसका बायसेक्टर का नाम भी एडी दिया हुआ, दिस अदी, इज इट क्लियर। तो दोनों का इक्वेशन, तो बताइए यहां पे एंगल बायसेक्टर को अपोजिट साइड में हमने इंटरसेक्ट किया कहां पे, डी पे, कंप्यूटर सेट किया एक्चुअली डी पे, यहाँ पे भी एंगल बायसेक्टर को हमने अपोज, ये एंगल बायसेक्टर है उसका अपोजिट साइड है, इस एंगल का अपोजिट साइड बी सी है, लेकिन ये एक्सटर्नल एंगल बायसेक्टर तो इसको तो मिल ही नहीं सकता, इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं प्रोड्यूस्ड बी सी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड बी सी और इट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूस्ड बी सी, देन आगे प्रोड्यूस करना आपको लाइक दिस, तो पॉइंट डी पे जाके इंटरसेट कर रहा ना, ये एंट्री एंगल बायसेक्टर का इक्वेशन क्या था, डी बी अपॉन डी सी, कहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुरू करें, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, यहां पे भी सेम इक्वेशन, इसी जानबूझ के हमने वहां देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट डी है, यहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट डी है, बताए डी से ये जो साइड बी सी है, डी से एक बार बी की तरफ आना पड़ता और एक बार किधर सी की तरफ, और इसे इज इक्वल टू बाकी दोनों जो साइड है एंगल के इसका रेशियो के बराबर लाइक दिस। वैसे यहां पे भी जो डी है, डी से एक साइड एक बार बी के साथ आना पड़ता और एक बार डी से कहां आना पड़ेगा सी, यहां पे भी डी बी अपॉन डी सी is equal to your sides AB upon AC like this, sorry, यानी दोनों के equation same एकदम, is it clear? सिर्फ फर्क ये है कि उसमें interior angle है उसका bisector है, यहाँ जो exterior angle उसका bisector है, is it clear? वो interior angle का bisector AD opposite में कहाँ point D पे intersect कर रहा, यहाँ पे जो interior angle ये है, इसको छोड़ के जो बाहर का angle exterior angle है उसका bisector बना दे, और वो भी opposite side यही है,
लेकिन अपोजिट साइड कोई मिल नहीं सकता, उसको एक्सटेंड जब करेंगे जब जाके मिलेगा पॉइंट डी पर। इज इट क्लियर? इक्वेशन कैसे लिखना पड़ता, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुरू करना है डी से बी तक अपॉन डी से सी तक। यहां भी देखिए भैया, डी से बी तक अपॉन डी से सी तक, सिर्फ फर्क ये है कि इंटरनल एंगल बायस्टर इसलिए बीसी के अंदर आके मिल रहा है और वो एक्सटर्नल इसलिए बीसी के बाहर जाके मिल रहा है, लेकिन वो इंटरसेक्शन पॉइंट वहां भी डी दिया और यहां भी क्या दिया डी। यहां भी एक बार डी से बी के पास आना है, एक बार डी बी से सी की तरफ, यहां पे भी डी से एक बार बी की तरफ जाना और एक बार कहां तक सी। और उसका रेशो किसके बराबर रहेगा एक्चुअली, ये दोनों टुकड़ों का रेशो एंगल के जो साइड उसके रेशो के बराबर, वैसे एक्सटर्नल एंगल भी वैसी है डी से लेकर बी तक अप और डी से लेकर सी तक, इसका रेशो ये जो इंटीरियर एंगल है ना उसके दोनों साइड्स के रेशो के बराबर रहेगा लाइक दिस। इज इट क्लियर? दैट इज एक्सटर्नल एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी। सो यहां पे देखिए हमने लिखा है इंटीरियर एंगल बायस्टर प्रॉपर्टी, नोटबुक में इंटीरियर एंगल कहीं और दिया पेज पे, एक्सटीरियर कहीं और दिया, ठीक है लाइक दिस। तो इससे जानबूझ के हमने आपको एक्चुअली बोला कि बुक में पेज पे लिखे 7.23 के सामने, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर ले आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहां पे भी ट्रायंगल का नाम क्या दिया है एबीसी, यहां भी ट्रायंगल का नाम एबीसी, ए से बी, बी से सी, सी ए ट्रायंगल, यहां पे भी ट्रायंगल का नाम सेम ए से बी, बी से सी लाइक दिस एबीसी। यहां पे ट्रायंगल एबीसी के अंदर का एंगल, ये एंगल, ये एंगल का नाम क्या है बीएसी, कौन सा एंगल बोलेंगे इसको इंटीरियर एंगल। फिर एडी क्या कर रहा, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, इंटीरियर एंगल मतलब इनफैक्ट एडी क्या है इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, किस एंगल का बीएसी का। यहां पे देखिए लिखा है गिवन एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बीएसी, समझ में आ रहा है एक्चुअली, यानी एडी क्या है एंगल बाइसेक्टर, कौन से एंगल का इंटीरियर एंगल, उसका नाम क्या है बीएसी। सो एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल बीएसी। और फिर हमारा रिजल्ट ऑलरेडी बताया था, इसके पहले रिजल्ट, रिजल्ट क्या रहेगा, ये एंगल बाइसेक्टर अपोज साइड को दो टुकड़े में डिवाइड कर रहा, इसका रेशो दोनों साइड्स के रेशो के बराबर, यानी DB अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है लाइक क्या जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट से DB अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। सेम ट्रायंगल ABC हमने दोबारा यहां बनाया, हाँ इसका इंटीरियर एंगल ये है, लेकिन हमको इंटीरियर एंगल का बायसेक्टर नहीं बनाना है, इससे उसको नहीं बनाया, हाँ ये इंटीरियर एंगल को छोड़कर इसी के एंगल के ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये जो एंगल बाहर आ रहा है ना एक्सटीरियर एंगल हो गया, कौन सा एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल। बाद में उसका अब सपोज एक्सटीरियर एंगल अस्यूम कर रही है 120 डिग्री है, तो बताइए बाइसेक्टर क्या करेगा, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब अगर टोटल 120 है तो 60-60 आएगा, यानी एंगल 3 और एंगल 4 क्या आएगा एक्चुअली इक्वल। यहाँ पे जो इंटरनल एंगल है टोटल उसके दो पार्ट्स आएंगे, अगर सपोज यूम करिए 80 है तो यहाँ पे आ जाएगा 40-40, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इंटर एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो उसका बाइसेक्टर है। इज इट क्लियर? यस योरसेल्फ, इधर ध्यान रखिए प्लीज। सो एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एडी क्या है एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है लाइक दिस। ना ये एक्सटीरियर एंगल किस इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल है बीएसी का, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे एडी एंगल बाइसेक्टर है किसका एक्सटीरियर एंगल, कौन से एंगल का एक्सटीरियर एंगल बीएसी जो है ना उसका एक्सटीरियर एंगल। अरे समझ में आ रहा है एक्चुअली, बीएसी इंटीरियर है उसी का कौन सा एंगल है एक्सटीरियर, हाँ उस एंगल का नाम रहेगा सीए के, उस एंगल का नाम क्या रहेगा एक्सटीरियर एंगल को क्या बोलेंगे हम सीए के, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल किस इंटरनल एंगल का है इस एंगल का है। समझ मेरा पॉइंट एक्चुअली, ध्यान रखें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी इस इंटीरियर एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। इज इट क्लियर? तो अगर सपोज हमको ये लिखना है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ बीएसी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ बीएसी, अगर इस एंगल को हम लिख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ बीएसी तो भी करेक्ट है, या ये एंगल का नाम हम सीए के लिख रहे तो भी करेक्ट है। इज इट क्लियर? अगर इंटीरियर एक्सटीरियर वर्ड नहीं दे रहे और सिर्फ क्या लिख रहे हैं हम एंगल सीए के तो भी करेक्ट है, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बीएसी, किसका एक्चुअली, हाँ तो सीए, सीए के एक्सटीरियर नहीं है, ध्यान रखिए सीए का एक्सटीरियर नहीं, किसका है इस एंगल का एक्सटीरियर है। इज इट क्लियर? यहां पे देखिए क्या लिखा है गिवन एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ बीएसी। सो अनदर पॉइंट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एडी क्या है अभी एंगल बाइसेक्टर, किसका एंगल बाइसेक्टर इंटीरियर का नहीं किसका एक्सटीरियर, लेकिन किसका एक्सटीरियर इस एंगल का एक्सटीरियर, इससे कौन से एंगल का एक्सटीरियर है एंगल बीएसी का एक्सटीरियर है, हाँ या उसका नाम क्या लिख सकते हैं आप सीए के है, उस एंगल का नाम क्या एक्चुअली सीए के, दैट इज एंगल सीए के, ठीक है। बताइए यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट थी, इक्वेशन लिखने का याद रखने का मेथड क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर का, वहां से ये साइड के एक एंड पे आइए और दूसरे एंड पे आइए अपॉन डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट डी, डी बी बताए अगर हम ऊपर में डी बी लिख रहे हैं तो दूसरे साइड में ए बी लिखना पड़ेगा, यस सर, यस डी बी, तो डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, दिस इक्वेशन, समझ में आ रहा, याद रहेगा ये एक्चुअली। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ये है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ये है, इंटीरियर एंगल ये उसका बाइसेक्टर है, ये इस इंटीरियर का, ये इस इंटीरियर का एक्सटीरियर एंगल है और ये उसका बाइसेक्टर है, और वहां पे बाइसेक्टर का पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट डी है, यहां भी बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट डी है। इज इट क्लियर? इसके प्रूफ अगर आपको नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन इक्वेशंस इसके आ सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
तो इन ट्री एंगल मास्टर की इक्वेशन आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करे, एक्स ट्री एंगल की एक आध क्वेश्चन कराएंगे. इज इट क्लियर? सो यू कैन राइट एक्चुअली, और यू कैन राइट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो फ्रॉम द वीडियोज. यस, सो दिस फ्रॉम आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 7.31. ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के प्रॉब्लम्स इसके पहले किया था, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के प्रॉब्लम्स है. दे आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर. नाउ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, और बाइसेक्टर कभी भी आ गया तो बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब इक्वल पार्ट, यानी दो इक्वल पार्ट में. एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. मतलब पूरा एंगल अगर 60 है तो बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 30-30 कर देगा. क्या कर देगा एक्चुअली? 30-30. और साइड बायसेक्टर, साइड बायसेक्टर मतलब एक साइड 10 सेंटीमीटर है, बीच में से एक लाइन जाएगी, 5-5 कर देगी उसको. ठीक है, तो बायसेक्टर कभी भी रहा, दैट इज नथिंग बट इट विल डिवाइड एंगल या साइड को दो इक्वल पार्ट में, दैट इज बायसेक्टर. सो कल एक्सप्लेनेशन इसका देते हैं, इसका प्रॉब्लम ये कर रहे, लेकिन शॉर्ट में आपको हम बता देंगे. तो सपोज एक ट्रायंगल एबीसी है, मतलब ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी. ए से बी, बी से सी, सी से ए. दिख रहा है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल के अंदर में कुछ एंगल्स है, जैसे एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है. है ये एंगल्स? इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. क्या बोलते हैं इनको एक्चुअली? इंटीरियर. और ये जो इंटीरियर एंगल है, ये तीनों इंटीरियर एंगल, अगर ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड करके बाहर आपने एंगल बनाया, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर. ये भी एक्सटीरियर है, इस एंगल का एक्सटीरियर है. ना जैसे देखिए, इसको एक्सटेंड किया तो ये भी एक्सटीरियर हो गया. ये कौन सा एंगल हो गया? इंटीरियर. ये कौन सा हो गया? एक्सटीरियर. और एक्सटीरियर इंटीरियर मिला के 180 आता हमेशा, या लीनियर पेयर. क्या फॉर्म करेंगे हमेशा? लीनियर पेयर, लाइक दोनों मिला के 180 आएगा. जैसे ए में ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, वैसे सी में ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है. वैसे इसको अगर बनाना, बना सकते. क्या करें? इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिए तो पता है ये इंटीरियर हो जाएगा, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर. आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो भी आएगा, इस लाइन को एक्सटेंड करके इधर ड्रॉ किया तो भी आ जाएगा, और दोनों इक्वल आएगा, देयर बी इक्वल, तो कोई भी एक ड्रॉ कर सकते. इज इट क्लियर? सो एक्सटीरियर एंगल. सो ट्रायंगल का नाम बताइए क्या है? ए बी सी. ये ट्रायंगल एबीसी में कितने एंगल्स है? तीन. ट्रायंगल के एंगल्स है, एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी. इनको कौन सा एंगल बोलते हैं? इंटीरियर एंगल. और ये ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड करके जो एंगल बाहर से आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर. जैसे ये एंगल ए का इंटीरियर है, ये एंगल ए का एक्सटीरियर है, ये एंगल सी का इंटीरियर है, ये क्या है एक्चुअली? एक्सटीरियर. कौन से ट्रायंगल के हिसाब से ले रहे? एबीसी के हिसाब से. ये उसका इंटीरियर है, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जो बाहर एंगल बनेगा ना, वो कौन सा हो जाएगा? एक्सटीरियर. ठीक है, अब सपोज ये एंगल ए का इंटीरियर है, ये एंगल एज्यूम करेंगे 70 डिग्री है. पता अगर हम यहाँ से बीच में से एक लाइन ड्रॉ करें जो इस एंगल को दो इक्वल, पूरा 70 है, 35-35 में डिवाइड कर दिया, उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर. क्या बोलेंगे? क्योंकि ये एंगल इंटीरियर एंगल है, तो वो जो लाइन डिवाइड करेगी इंटीरियर एंगल दो पार्ट में, उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर. बताइए ये एंगल कौन सा एंगल है? इंटीरियर के एक्सटीरियर? एक्सटीरियर. अज्यूम करेंगे सपोज ये 110 डिग्री है. कितना? 110 डिग्री. सपोज तो एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं ए ई, ये एक्सटीरियर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1 और 2 दोनों इक्वल है. सपोज अगर पूरा 110 है तो 55-55, ये देखिए लिखा 1 = एंगल 1 = एंगल 2, लाइक दिस. तो इसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर. लेकिन किसको बाइसेक्ट कर रही है? बाहर के एंगल को. क्या बोलेंगे इसको? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर. अगर सपोज एंगल ए की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर. और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, सॉरी. ठीक है, सो इसके कल आपको इक्वेशन में बताया था, इक्वेशन के आपको बता देंगे. सो क्वेश्चन में देखिए, इन फिगर 7.57, ये फिगर है, सेम फिगर दिया है ऑलरेडी. ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सी ए डी. ठीक है, ए क्या है? बाइसेक्टर. किसका? एक्सटीरियर एंगल का. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का. तो यहाँ पे जो ए ई है, जिनकी लाइन ए ई है, ये क्या? बाइसेक्टर. किसका? एक्चुअली इंटीरियर एंगल का, नहीं किसका? एक्सटीरियर. और एंगल का नाम क्या दिया? सी ए डी. एंगल का नाम क्या दिया उसने? एक्चुअली सी ए डी. बेसिकली ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए है. किसका? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए है. ये जो एंगल ए है ना, एंगल ए, उसका ये इंटीरियर एंगल, ये क्या उसका? एक्सटीरियर. इंटीरियर एंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी. एक्सटीरियर एंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या हो जाएगी? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, सो ए क्या है? ए इज नथिंग बट एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर. जिसका एंगल है एक्सटीरियर एंगल, उस एंगल का नाम क्या है? सी ए डी. एंगल का नाम क्या? एक्चुअली सी ए डी. और उसमें दिया है ए बी की वैल्यू 10 है, ये ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, और बी सी है, बी सी 12 है. यानी ट्रायंगल के साइड्स दिए, ए से लेकर बी तक कितना है? 10 सेंटीमीटर. ए से लेकर सी तक 6 सेंटीमीटर और बी सी 12 सेंटीमीटर. हमको कैलकुलेट करना है सी ई. क्या कैलकुलेट करना है? देखिए सी, फाइंड सी, देखिए कैलकुलेट करना है सी की वैल्यू कितनी. जिस चीज को फाइंड करना है उसको हमने एक्स बोल दिया, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली एक्स. तो हम कैलकुलेशन करके एक्स निकालेंगे. इज इट क्लियर? सो बताइए ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी. ये एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर के? इंटीरियर. इंटीरियर. और ये एंगल?
एक्सटीरियर, वैसे यहां पे इंटीरियर, ये एक्सटीरियर लाइक दिस। लेकिन अभी दूसरे एंगल इस एंगल के रेफरेंस हमको लेना है लाइक दिस। तो ये इसका इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल। और कोई भी ऐसी लाइन जो इंटीरियर एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और जो एक्सटीरियर एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन ए के बारे में दिया है कि लाइन ए क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। कौन सा एंगल के, पूरे एंगल का, पूरे एंगल का नाम क्या है, सी ए डी। पूरे एंगल का नाम क्या है एक्चुअली, सी ए डी। और ये ए कहां जाके मीट कर रही, ये जो बी सी है ना, बी सी को प्रोड्यूस किया हुआ है। देखिए बी सी को आगे बढ़ाया, ये सुनो, इसको बोलते हैं बी सी इज एक्सटेंडेड। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड। इसको बोलते हैं बी सी इज प्रोड्यूस्ड। क्या किया इसको एक्चुअली, प्रोड्यूसर। कहां पे जाके मीट कर रही, पॉइंट ई पर। सो ए क्या है, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, जो बी सी प्रोड्यूस को कहां पे मीट कर रही, ई पे। और उसमें ए बी की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ 6 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ 12 सेंटीमीटर। हमको सी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली, सी। जैसे अब देखिए इक्वेशन क्या, जैसे कोई भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मीट करेगा, ये पॉइंट पे मीट करेगा, तो रेशो किसका रेशो देख लिया सीन, ये तो एंगल ए है, ये एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल, उसका बाइसेक्टर। नो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी। एंगल ए का अपोजिट साइड, उसके सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी। बता अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, वो अपोजिट साइड को जाके इंटरसेक्ट कर देगा, कर देगा। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी क्या कर रहा, अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर, लेकिन ट्रायंगल के अंदर नहीं, कहां पे, बाहर। अगर हाँ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये अपोजिट साइड को अंदर ही इंटरसेक्ट कर देगा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अंदर इंटरसेक्ट करेगा, बाहर करेगा, बाहर। सो ए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, जो बी सी को अंदर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, कहां पे, बाहर। इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, बी सी प्रोड्यूस्ड। क्या बोलेंगे इसको, बी सी प्रोड्यूस या बी सी एक्सटेंडेड। तो इसका देखिए इक्वेशन है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर अपोजिट साइड को प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंट पे मिल रहा, तो इसका इक्वेशन कौन सा है, ये पॉइंट जो है ई, ये ई से शुरू करना है, ई से एक बार बी तक लेना है, ई से एक बार सी तक लेना है, यानी ई बी अपॉन ई सी का रेशो, ई बी अपॉन ई सी का जो रेशो, रेशो मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ई बी अपॉन ई सी। ये रेशो किसके बराबर रहेगा, जिस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है उस एंगल के दोनों साइड, पता है एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ए का देखिए एक साइड ए बी है और एक ए सी है, ये जो रेशो रहेगा कौन सा, ई बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये इक्वेशन कल दिया था हमने, आई हैव गिवन दिस इक्वेशन, डायरेक्ट आपको इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। सो ए लाइन क्या है, ए इज वॉट, एंगल बाइसेक्टर, किसका, इंटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल सी ए डी। और किसको मीट कर रहा है, बी सी प्रोड्यूस को मीट कर रहा है, कहां पे, पॉइंट ई पर। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन है, जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से लेना पड़ेगा, कहां तक लेना पड़ेगा, इस एंगल का अपोजिट साइड के दोनों एंड, यानी ई से पहले बी तक लेंगे अपॉन, फिर ई से कहां तक लेंगे, सी तक, यानी ई बी अपॉन ई सी। और ये रेशो हमेशा किसके बराबर रहेगा, फिक्स इक्वेशन ही है, ये रेशो हमेशा किसके बराबर रहेगा, जिस एंगल के दो, जिसका अपोजिट, जिस एंगल के एक्सटीरियर एंगल है उस एंगल के दोनों साइड्स, बताइए एंगल ए है, इसका एक्सटीरियर है, उसका बाइसेक्टर था, तो एंगल ए के दो साइड्स, एंगल ए का एक साइड ए बी है और एंगल ए का दूसरा साइड ए सी है, ए बी अपॉन ए सी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। किसी ने ई बी अपॉन ई सी की जगह उल्टा लिख दिया, ई सी अपॉन ई बी, तो भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम एक साइड ऊपर ई सी लिख रहे और नीचे ई बी लिख रहे, तो फिर दूसरे साइड में ऊपर ए सी लिखना पड़ेगा, यानी पहले अगर ई सी ऊपर लिख रहे तो दूसरे साइड में भी ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, ए सी। और अगर ऊपर हम ई बी लिख रहे तो क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर ए बी लिखना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। बोथ इक्वेशंस आर करेक्ट। यहां पे देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जैसे एज ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बी ए सी। अच्छे से देखिए एक्चुअली स्टेटमेंट्स क्या है। सो ए क्या है, ए तन्मय पांडे, ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर, किसका एंगल बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल का। कौन सा एक्सटीरियर एंगल का, ये एंगल ए का। इस एंगल ए का पूरा नाम क्या लिख सकते हैं हम, बी ए सी। इस एंगल ए का पूरा नाम क्या लिखेंगे, बी ए सी। गॉट इट। लेकिन बी ए सी अगर हम लिखें तो इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या हो जाएगा, सी ए डी हो जाएगा। लेकिन इसी एंगल को एंगल सी ए डी बोले तो भी करेक्ट है, या इसी को एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए बोले तो भी करेक्ट है। क्या बोले, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए बी, तो भी करेक्ट है। सो ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बी ए सी, दैट इज एंगल सी ए डी। यानी ए बेसिकली क्या है, एंगल बाइसेक्टर।
किस एंगल का बाइसेक्टर है? सी ए डी का, यही एंगल बाइसेक्टर किसका, एक्चुअली सी ए डी का। इस सी ए डी को क्या बोलेंगे, दो नाम है, सी ए डी को सी ए डी बोले तो भी करेक्ट है, या इसको बोला एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल ए बोले तो भी करेक्ट है, आंसर। और एंगल ए का नाम सिर्फ ए लिखा तो भी चलेगा, या इसी एंगल ए का नाम क्या लिख सकते, पूरा बी ए सी, क्या लिख सकते एक्चुअली बी ए सी या सी ए बी दोनों चलेंगे, इज इट क्लियर। सो ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल बी ए सी, दैट इज एंगल सी ए डी। सो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वी गेट, बताइए इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर जहां जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां से शुरू करना है, और यहां शुरू करके क्या करना है, इस एंगल का जो अपोजिट साइड था ना उसका एक बार ई के साथ बी को लेना है, एक बार ई के साथ क्या लेना है, सी के साथ। पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ई बी अपॉन ई सी, ए बी अपॉन ए सी। सो ई बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब वैल्यूज पुट कर दिए, बताइए 10 दिया हुआ है ए बी, ए सी दिया है 6 और बी सी 12, लेकिन अगर हमको सपोज ई सी फाइंड करना है तो ई सी को हमने x ले लिया, बट अगर ये x और ये 12 है तो पूरा कितना हो जाएगा, 12 प्लस x, लिखा 12 प्लस x, ठीक है, यानी 12 प्लस x क्या हो जाएगा, ई बी, ई से बी तक, तो बताइए ई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 प्लस x अपॉन ई सी की वैल्यू, देखिए बोलते रहिए। सो ई बी पूरा कितना है, ई बी 12 प्लस x, ई सी कितना है x, ए बी कितना है 10 और ए सी कितना है 6, सो ई सी x है, ए बी की वैल्यू 10, 6, ये 10 और 6 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यस सर 2 से डिवाइड कर ली, बताइए कितना आ जाएगा ये 5 by 3, दोनों को 2 से डिवाइड किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 12 प्लस x किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, और x किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, सो विल गेट 3 into 12 प्लस x इज इक्वल टू 5 into x, 3 into 12 प्लस x इज इक्वल टू 5 into x, नाउ 12 3 सा प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x इज इक्वल टू 5x, ये 3x x एक साइड ले आ रहे तो x वहां जाएगा तो माइनस आ जाएगा 3x, यानी व्हाट यू विल गेट 36, 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 2x, ये 5x और प्लस 3x यहां जाएगा माइनस 3x, और 5x माइनस 3x कितना आ जाएगा 2x, यानी 36 इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 36 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी सी का हमारा जो आंसर था x वो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, सो सी ई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर। सो कल हमने इक्वेशन दिया था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का भी इक्वेशन दिया था, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन, देखिए शॉर्ट में जो हमने कल बताया था इक्वेशन वो इक्वेशन देख ली एक बार, जैसे सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल ए है, यस और नो, ये इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे लाइन, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये पॉइंट डी है, बताए जितना ये एंगल है उतना ये एंगल, इज इट क्लियर, अगर टोटल 60 है 30 30, तो बताए इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा और इसके अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो इनफैक्ट इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इक्वेशन क्या है, जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट कर रहा है यहां से इक्वेशन शुरू करना पड़ता है, डी बी अपॉन डी सी, डी से बी तक अपॉन डी से सी तक इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ये, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, कर लिया था, यानी ट्रायंगल ए बी सी है, पूरा ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें एक एंगल ए बी है, एंगल बी, एंगल ए, पूरा एंगल, ये एंगल ए को एक लाइन एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसको क्या बोलेंगे एक्चुअली, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, लेकिन अगर टोटल 60 है तो 30 30, और ये कहां पे इंटरसेक्ट करी, पॉइंट डी पर, तो इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी की इक्वेशन क्या आएगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां शुरू करिए, एक बार डी से बी तक, दूसरी बार डी से सी तक, डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब इसी फिगर का देखिए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो आपने अभी ड्रॉ किया, ये ट्रायंगल ए बी सी ऐसे ड्रॉ किया था अभी, ए बी सी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर नहीं, ये हो गया इंटीरियर एंगल, अब इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, बताइए एक्सटीरियर एंगल हो गया, यस सर, अब इसको इसका बाइसेक्टर बनाएंगे, जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी बीसी को मीट कर रहा था, बीसी को,
वैसे एक्सट्री एंगल भी क्या मीट करेगा बीसी को, लेकिन बीसी तो अंदर तो नहीं आएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा इसको एक्सटेंड, एक्सटेंड किया सपोज और यहां पे आके मीट हुआ पॉइंट डी पर, इज इट क्लियर। इसके पहले इंटी एंगल बाइसेक्टर कहां पे मीट होता, डी पे, तो इक्वेशन क्या था डीबी अपॉन डीसी था, अब बताइए क्या हो जाएगा ईबी अपॉन ईसी, ठीक है। इंटी एंगल कहां पे इंटरसेक्ट करता है डी से, तो डी से बी तक, डी से सी तक, वैसे अब एक्सट्री एंगल कहां बाइसेक्ट कर रहा ई पे, तो ई से बी तक, ई से सी तक, यानी इक्वेशन क्या आ जाएगा ईबी अपॉन इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी था, यहां भी सेम ए बी अपॉन ए सी रहेगा इज इक्वल टू ए बी अपॉन, और ये इक्वेशन हमने भी यूज किया, ई बी अपॉन ए सी, देखिए ई से बी तक, ई से सी तक, और अपॉन ए बी अपॉन ए सी, सो ई बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और जो वैल्यूज दिया उसको पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, कल हमने डिटेल में दिया था, जो कल टॉपिक इसके पहले का टॉपिक उसमें है डिटेल, ठीक है, तो लिखने जरूरत नहीं, यू कैन राइट फ्रॉम द वीडियो, वीडियो से आप लिख सकते हैं, इज इट क्लियर। सो मोर ऑन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीडी, बीपीडी क्या एप्लीकेशन जैसे ये, पेज नंबर 7.33, आर डी शर्मा, कौन सी बुक में डी समथिंग बट गिवन इन आर डी शर्मा, एनी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है सब थ्योरम वगैरह। सो थ्योरम वन, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी क्वेश्चन में क्या दिया, एक ट्राइंगल ए बी सी है, कौन सा ट्राइंगल है ए बी सी, उसका सपोज एक साइड ए बी है, ए बी का एक मिड पॉइंट है डी, ये मिड पॉइंट है ए बी का, पूरे ए बी जो है ना, सपोज अगर ए बी 10 होगा तो ए बी 5, ए बी 5, ये दोनों इक्वल, इसलिए डबल लाइन से मार्क किया, ये डी मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें जो का जिसकी दो कंडीशन है, वो लाइन कहाँ से शुरू होगी, ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से शुरू होगी, और ये लाइन ट्राइंगल के दूसरे साइड के साथ पैरल है, एक तो मिड पॉइंट से शुरू हो रही और दूसरे साइड के साथ क्या है पैरल, तो अगर सपोज ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि लाइन एक साइड के मिड पॉइंट से शुरू हो रही और यही लाइन दूसरे साइड से पैरल है, तो थर्ड साइड जहां पे इंटरसेक्ट कर रही, थर्ड साइड ट्रायंगल के तीन साइड्स है, ये एक साइड है उसका मिड पॉइंट लिया, ये दूसरा साइड है जिसके साथ ये पैरल है, यस, तो जो थर्ड साइड है उसको भी बाइसेक्ट कर रही, पर ये बाइसेक्ट करें मतलब अगर ये 12 होगा 12 तो ए बी 6, ए बी 6, मतलब हमको प्रूव यही करना है कि ए ई और ए सी इक्वल है, क्या प्रूव करना है, ए ई और ए सी की वैल्यू क्या है इक्वल। सो बताइए ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी, साइड्स कौन कौन से हैं, एक साइड उसका ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है, एक साइड ए बी है, एक बी सी और एक ए सी है, साइड ए बी सी क्या ले रहे हम मिड पॉइंट, और साइड बी सी से क्या ले रहे उसे पैरल बना रहे लाइन, लाइन कैसे पैरल, और थर्ड साइड जो बच गया, थर्ड साइड ए सी, हमको प्रूफ करना कि थर्ड साइड जो ए सी बचा यही लाइन जो एक साइड के मिड पॉइंट से शुरू हो रही और दूसरे साइड के साथ पैरल है, यही लाइन थर्ड साइड को जो इंटरसेक्ट कर रही इसको बाइसेक्ट कर दे रही, बाइसेक्ट करने मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी ए ई और ई सी का आंसर सेम है, ए ई और ई सी का आंसर क्या एक्चुअली सेम। तो देखिए यहाँ पे थ्योरम वन में देखिए, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, सिर्फ इतना पढ़िए समझ में आ रहा, लाइन ड्रॉन कहां से ड्रॉ किया, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, बताइए पॉइंट डी से मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं हम, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, और क्या दिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी कंडीशन के यही लाइन जो ड्रॉ किया मिड पॉइंट से, यही लाइन दूसरे एक साइड से पैरेलल है, यस नो, और जो थर्ड साइड बच गया ट्रायंगल का उसको क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही, ठीक है, एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, इज इट क्लियर। हमको प्रूफ करना है, गिवन में बताइए क्या क्या गिवन है, कि एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी उसमें साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये दिया हुआ है, और डी लाइन किसके साथ पैरेलल एक्चुअली बी सी के साथ, ये पैरेलल है, ये दिया है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए सी बी, ए बी सी में साइड ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइक दिस, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और जो लाइन जो डी है ना वो डी बी सी के साथ पैरेलल, बट अगर ये ए बी का मिड पॉइंट होगा तो ए डी और डी बी दोनों इक्वल होगा, यस, ये वही दिया, देखिए गिवन में ए डी इज इक्वल डी बी, और क्या दिया, डी इज पैरेलल टू बी सी, हमको प्रूफ क्या करना है कि ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ए और ई सी भी क्या है इक्वल, देखिए टू प्रूफ ए इज इक्वल टू सी प्रूफ करना है, इज इट क्लियर। ना बहुत सिंपल चीज है, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या है, अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सपोज आपने एक लाइन ड्रॉ किया जो ट्रायंगल के एक साइड से पैरल है, तो लाइन डी बी सी के साथ पैरल है, या तो लाइन डी बी सी के साथ पैरल है और दोनों साइड्स को देखिए इंटरसेक्ट कर रही, इस साइड को डी पे इंटरसेक्ट कर रही, इस साइड को ई पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये साइड के दो टुकड़े हो रहे ए डी और डी बी, ये साइड के भी दो टुकड़े हो रहे, कौन सा ए और ई सी,
तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या है, अगर कोई एक लाइन आपने ड्रॉ किया जो एक साइड के साथ पैरेलल है और बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाकी दोनों साइड से जो दो दो टुकड़े हो रहे हैं इनका रेशियो इक्वल आएगा। यानी इक्वेशन क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन AD अपॉन DB, AD और DB तो बराबर है, बताइए ये भी फाइव तो ये भी फाइव, तो फाइव अपॉन फाइव क्या आंसर आ जाएगा, वन। यानी AD अपॉन DB का आंसर वन आ जाएगा। लेकिन ये AE अपॉन EC के बराबर है, यानी AE अपॉन EC भी वन आ जाएगा। यस, अगर AE अपॉन EC की वैल्यू वन, यानी AE और EC क्या हो जाएगा, इक्वल। वही प्रूफ करना था हमको। तो सॉल्यूशन में देखिए, प्रूफ में एज DE इज पैरेलल टू BC, D किसके साथ पैरेलल है, BC, सो बाय यूजिंग BPT, BPT का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो बाय यूजिंग BPT वी गेट, बाय यूजिंग BPT वी गेट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इक्वेशन समझ में आ गया, AD अपॉन DB इसका आंसर AE अपॉन EC के बराबर आएगा। ये बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम ही है कि अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट पे, तो जहां जहां इंटरसेक्ट करे वहां से दो टुकड़े हो रहे, एक AD हो रहा है, एक DB हो रहा, और यहां पे दो टुकड़े हो रहे AE और EC, तो ये दो टुकड़े का रेशियो यानी AD अपॉन DB का आंसर और ये दो टुकड़े का रेशियो AE अपॉन EC इक्वल आएगा हमेशा। ये है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। बताइए ये तो क्वेश्चन में दिया कि डी मिड पॉइंट है AB का, अगर ये मिड पॉइंट है मतलब पूरा 10 है तो ये 5-5 हो गया, मतलब AD और DB क्या अलग अलग है कि सेम है, यस सेम। तो यहां पे एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन साइड का मिड पॉइंट है, AB, दैट इज AD इज इक्वल टू DB, इज इट क्लियर, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, सो AD इज इक्वल टू DB, और AD अपॉन DB का आंसर बताइए क्या जाएगा, अगर दोनों इक्वल है 5-5-6 से जो भी, तो 6 अपॉन 6 5 अपॉन 5 आंसर क्या जाएगा, 1। इक्वेशन नंबर 1 में AD अपॉन DB क्या 1 पुट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, बताए क्या इक्वेशन आ जाएगा, AD अपॉन DB क्या क्या पुट कर रहे हैं हम, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन, AD अपॉन DB क्या क्या हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यस और नो, यहां EC को मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, EC इज इक्वल टू AE और AE इज इक्वल टू EC, इसका मतलब EB क्या हो जाएगा फिर, अगर AE, यस इसी, अगर सपोज AE और EC इक्वल आ गया, सपोज 7-7 5-5, मतलब EB क्या हो गया, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट हो गया, AC का, और कोई भी अगर सपोज मिड पॉइंट हो गया तो इसको बोलेंगे लाइन D इसको भी बाइसेक्ट कर रही, यस और बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, AE इज इक्वल टू EC, दैट इज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, is midpoint of AC, or DE bisects side AC, is it clear? तो E या तो midpoint हो गया AC का, या D क्या कर रहा है AC को bisect कर रहा है, वही प्रूव करता है, bisects the third side, is it clear? सिंपल है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए कि ट्रायंगल ABC है, उसमें AB का D midpoint है, मतलब AD और DB बराबर है, और ये लाइन DBC के साथ पैरेलल भी है, तो अगर ये लाइन ये डी इसका मिड पॉइंट और ये इसके साथ पैरेलल भी, तो थर्ड जो साइड को जो इंटरसेक्ट कर रहा है यस इसको ही बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब क्या, ये भी बेसिकली मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, एसी का, यानी हमको प्रूफ करना कि ए और एसी इक्वल है। सो गिवन में ट्रायंगल एबीसी है, डी मिड पॉइंट है एबी का, यस डी मिड पॉइंट यानी एडी और डीबी बराबर है और डी पैरेलल टू बीसी गिवन में, और प्रूफ क्या करना है कि ई मिड पॉइंट है एसी का, मतलब ए और एसी भी क्या है बराबर, तो सबसे पहले क्योंकि डीबीसी के साथ पैरेलल है, डीबीसी के साथ पैरेलल से बीपीटी अप्लाई कर दिया, और BPT का इक्वेशन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, लेकिन AD और DB तो बराबर क्योंकि मिड पॉइंट है, तो AD अपॉन DB का आंसर क्या आ गया, एक्चुअली 1, AD अपॉन DB क्या, अगर 1 पुट करते तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, या EC और AE दोनों बराबर आ गया।
यानी ए और ई सी भी बराबर आ गया, मतलब ई भी मिड पॉइंट हो गया ए सी का, या लाइन डी ई ए सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लाइन डी ई ए सी को क्या कर रहा, बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, और वही प्रूफ कर रहा था। This is theorem 2, same page, इसके बाद जो आपने लिखा था, page number. Theorem number 2, the line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. ये हमको प्रूफ कर रहे हैं कि एक लाइन किसको ज्वाइन कर रहा, दो ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा, यानी एक साइड ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, तो ट्रायंगल है ए से बी, बी से सी, सी से, यानी ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी का मिड पॉइंट डी, यानी डी क्या है, मिड पॉइंट ए बी का, और वैसे साइड ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई, ई देखिए मिड पॉइंट है ए सी का, तो एक लाइन जो ज्वाइन कर रहा किसको ज्वाइन कर रहा, साइड ए बी के मिड पॉइंट को और साइड ए सी के मिड पॉइंट को, इसको ज्वाइन कर रहा है, तो हमको प्रूफ ये कर रहे हैं कि ये तो दिया है कि ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, बता अगर मिड पॉइंट अगर टोटल 12 होगा तो कितना आ जाएगा, 6, 6, ये टोटल अगर 10 होगा तो कितना आ जाएगा, 5, 5, जिट क्लियर, मतलब इसके बराबर ये इसमें डबल लाइन, इसके बराबर ये सिंगल लाइन, यानी ए डी इज इक्वल टू डी बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू डी बी दिया हुआ है, और ए इज इक्वल टू ई सी दिया हुआ है, ठीक है, तो ई मिड पॉइंट आप ऐसे लिख सकते, और इसको ऐसे भी लिख सकते, ए डी गिवन में ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड, इज इट क्लियर, ए डी और डी बी बराबर, और ए और ई सी बराबर दिया हुआ है, गिवन है, ठीक, इसका मतलब एक ही होता है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, मतलब ए डी डी बी बराबर, ई मिड पॉइंट है ए सी का, मतलब ए और ई सी बराबर है, प्रूफ करने के डी पैरेलल टू बी सी, यहां पे देखिए प्रूफ, एज ए डी इज इक्वल टू डी बी गिवन, यस और नो, ए डी और डी बी बराबर दिया हुआ, ये दोनों बराबर दिया, क्योंकि डी क्या है एक्चुअली मिड पॉइंट किसका, ए बी का, ए डी डी बी बराबर गिवन, सो ए डी अपॉन डी बी का आंसर पता है कितना आएगा, ये अगर सपोज 5 है ए बी 5 तो 5/5, दोनों 7/7 है तो भी 7/7 आंसर आ जाएगा, सिमिलरली डी मिड पॉइंट ए बी का था, इसमें ए डी डी बी बराबर, ई मिड पॉइंट था किसका, ए सी का, तो क्या क्या बराबर, ए और ई सी बराबर, सिमिलरली ए ई इज इक्वल टू ई सी गिवन, ये भी दिया हुआ, सिमिलरली ए ई इज इक्वल टू ई सी गिवन, सो ए ई अपॉन ई सी का आंसर बताइए क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ई ए अपॉन सी, ए बी वन, ए डी अपॉन डी बी का भी आंसर वन, ये भी आंसर वन, तब दोनों बराबर आ गया, सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, बताइए क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी का जो आंसर है इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो ए डी अपॉन डी बी का आंसर इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी का आंसर, ये दोनों रेशियो इक्वल, तो पता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी से डी इज पैरेलल टू क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए अपॉन ई सी, हेंस बाय कन्वर्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी गेट डी इज पैरेलल टू बी सी, इज इट क्लियर, By converse of BPT we get D is parallel to BC. समझ में आ गया? So D किसका midpoint? AB. तो AD is equal to DB. E midpoint AC का तो AE is equal to EC. तो AD upon DB का भी answer बना गया, ये भी answer बना गया, मतलब दोनों ratio equal आ गया. यानी AD upon DB is equal to AE upon EC. तो converse of BPT से line D BC के साथ parallel होगी. और यही हमको proof करना था. That D is parallel to BC, hence proof. सिंपल थ्योरम्स एक्चुअली।